नमस्कार, स्वागत है हमारी रेसिपी पे। आज बनाएंगे दाल, तो चलिए इसको बनाना हम शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने लिया है उड़द चने की दाल। तो आपको जो भी दाल पसंद है वो बना सकते हैं। ये दाल जो है ना, उड़द और चना बराबर मात्रा में लिया है और मैंने एक कटोरी लिया है। और इसमें मैंने कुकर में बनाएंगे तो जल्दी पक जाता है। तो इसको हम अच्छे से पहले वॉश करेंगे, 3-4 पानी वॉश करेंगे इस तरह। ये देखिए, मैंने वॉश कर लिया है और इसमें मैंने इतना पानी डाला है। ज़्यादा भी पानी मत डालिएगा, क्योंकि फिर उबलता है तो फिर आपका एकदम से गैस भी ख़राब होगा। तो इसीलिए वही हिसाब से आप पानी डालना। देखिए, मैंने एक कटोरी दाल लिया था तो इतना पानी इसमें डाला है। और नमक हल्दी मैंने डाल दिया इसमें। और कुकर को हम ढक्कन लगाएंगे इस तरह बंद करके। अभी हम इसको गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। अभी तीन से चार सीटी लगने तक मैं ये दाल को पकाऊंगी, तभी ये दाल बन जाता है। तो 3-4 सीटी जब लग गया, ये देखिए दाल बिल्कुल ही गल गया। दाल जो है ना, इस तरह बन गया है। ये दाल जो है बहुत टेस्टी बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो अभी इसमें हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें मैंने तेल डाला है। आप घी भी पसंद है तो घी भी डाल सकते हैं। ये ऊपर से थोड़ा सा घी डालेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। इसमें डाला है जीरा और खूब सारा डालेंगे हम इसमें गार्लिक। गार्लिक को मैंने चॉप करके डाला। गार्लिक इतना इस तरह होने के बाद ओनियन को अच्छे से बारीक काट के डालेंगे। ओनियन को भी अच्छे से इसको जब हो जाए, फिर उसके ऊपर हम टमाटर को डालेंगे। मैंने एक टमाटर कद्दूकस कर लिया था। इस तरह इसको अभी भून लेंगे। टमाटर जो है अच्छे से भुन गया है, प्याज और टमाटर, ये देखिए। और इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैं डालूंगी रेड चिल्ली पाउडर। आपको जितना खाना है वो हिसाब से डालें। और इसको हम अच्छे से हिला के चलाएंगे। नमक आप थोड़ा देख के डालना, क्योंकि पहले हमने दाल में भी नमक डाला है, तो उसी हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं इसमें। मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम जो दाल बना के रखे थे उसी में ऊपर से ये डाल देंगे। ये देखिए, राइस के साथ ये दाल है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। चाहे रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। और ऊपर से फिर मैं उसी बर्तन में थोड़ा सा धो लिया है, उसी में हम डालेंगे थोड़ा सा घी। इसमें ऊपर से घी का तड़का लगाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। घी को हम थोड़ा पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। ऊपर से मैंने 2 सूखी चिल्ली और थोड़ा जीरा डाल दिया है। अभी ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि इससे कलर आता है और दाल भी सचमुच बहुत ही टेस्टी लगती है। ऊपर से ये हम इसको डाल के ना तड़का लगाएंगे। और ऊपर से डालेंगे हम हरा धनिया और इसको हम सर्व करेंगे। तो ये दाल बहुत ही टेस्टी और जल्दी भी बन जाता है। तो आप भी इस तरह बनाएं तो मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आज आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर कमेंट करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें।